तो गाइस 17 क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन पेपर का. इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी इफ बी पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, बी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ बी सी इज, यानी कि बी सी की लेंथ क्या होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हम बी पी टी से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन जो थ्योरम है ट्राइंगल की, और दूसरी हमारी है प्रोपोर्शनेट, और दूसरी हमारी है सिमिलर ट्रायंगल से. जो ये बी पी क्यू होगा, ये बी पी क्यू, ये ए बी सी के सिमिलर होगा, तो ए ए से हो जाएगा. एक तो कॉमन होगा हमारा एंगल, एंगल बी कॉमन होगा और ये इसके बराबर होगा, जिससे कि ए ए से ये सिमिलर हो जाएंगे. लेकिन हमें कौन सा यूज़ करेंगे, हम बी पी टी सा यूज़ करेंगे, जिसमें क्या कहा जाता है कि अगर एक कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है किसी भी ट्रायंगल में, तो वो जिस दो साइड को इंटरसेक्ट करती है उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है. यानी कि बी क्यू अपॉन में सी क्यू बराबर होगा हमारा बी पी अपॉन में ए पी की. बी क्यू कितना है 5, सी क्यू कितना है हमारा पता नहीं, एंड बी पी हमारा 4 और ए पी कितना है 2.4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सी क्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2.4 अपॉन में 4 पॉइंट आया, 10 लाया, 4 6 जा 24, तो 30, 5 2 जा 10 और 2 6 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया हमारा 3 आ गया, यानी कि ये 3 आ गया सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया. तो यानी कि बी सी कितना होगा हमारा, बी सी होगा हमारा 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि 8 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. फाइन, सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट. होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.